चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मंडलीय कारागार स्थित अमर शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल की प्रतिमा पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. राम धनी, जेलर प्रेम सागर, स्थानीय पार्षद ममता लाल यादव, शहीद संतोष पांडे के पिता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर नगर विधायक सहित मौजूद लोगों ने पंडित राम प्रसाद विस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित किया। तत्पश्चात वंदे मातरम के साथ शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में नगर विधायक और वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने चौरी चौरा कांड और शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल के जीवन पर प्रकाश डाला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद के पिता जेलर प्रेम सागर शुक्ला, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. राम धनी और नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, ठीक है। ऐसा मुंह ढका रहता है कि कोई पूरे प्लान में सफर थे। हाँ माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, पंडित राम प्रसाद विस्मिल अमर है, पंडित राम प्रसाद विस्मिल अमर है, देश के शहीदों की अमर है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शहीदों को याद कर रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद पुनः कि आप इस स्थली पर आए और अमर शहीदों को याद किए। अब मैं ये हम सबका सौभाग्य है, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो आजादी के 70-74 सालों के बाद, जैसा आपने माननीय प्रेम सागर जी कह रहे थे, जिनके कारण हम स्वतंत्र हैं, जिन्होंने अपने सुख और अपने विलास को त्याग करके जीत की आजादी के लिए अपना बलिदान किया, सदैव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और सदैव मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हमें अवसर उपलब्ध करा रहे हैं कि हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके प्रति आभार प्रकट करें और आज के दिन ये संकल्प लें कि हम उनके जैसे भले ही न बन सकें, उनके जैसे बनने का प्रयास करेंगे और उनके बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उसको दर्द न गवाइएगा, अपने जीवन में उतारिएगा उनके आदर्शों को, तथा
इस देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में सेवा करिएगा। हमारा ये बच्चों से आग्रह है, उनसे प्रेरणा लीजिएगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि एक अच्छे नागरिक के रूप में तथा जो भी दायित्व सौंपे गए उसको ठीक से निभाएं। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे देश पूरे देश में आज ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है ये पूरे साल भर चलेगा और इससे भारत के इतिहास को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को, शहीदों को, उनके बारे में, उनके कुर्बानियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में आम जनमानस को, जनता को, नई पीढ़ी को, सबको अवगत कराया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और जो सराहनीय है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। सर्वप्रथम हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ऐसे प्रोग्रामों की पूरे भारत वर्ष में स्वीकृति दी। हम उन पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त करता हूँ जो इतनी विकट समस्या में ये हमारे राष्ट्र, हमारे जिला की सुरक्षा व्यवस्था प्रचंड मेहनत से, अपने श्रम से संभाल रखा है। इन लोगों पर इधर उधर का अपनी ड्यूटी में भी दबाव पड़ता है, फिर भी वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। रही बात फौज की, हमारी, हमारे सैनिक कितने कठोर हैं, जो कि दगाबाज चीन अकस्मात हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, हमारे सैनिक निहत्थे समझौते में बैठे हुए थे और वो आक्रमणकारी बन करके वहाँ हमारी फौज पर हमला बोल दिए हथियार सहित। लेकिन हमारे बहादुर जवान, हमारे बहादुर फौजी उनसे डटकर मुकाबला किए। हमारे 20 जवान सरहद पर शहीद हो गए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए भारत माता की रक्षा के लिए। उन जवानों के लिए मैं नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी उनकी आत्मा हो खुशहाल और शांतिपूर्वक है। गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। जय जय हिंद, जय भारत। आज चौरी चौरा महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न शहीद स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छा लगा आप चले आए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के शहीद स्थल पर आज कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पानी पिला देंगे तो बड़ी कृपा हो। गांधी शताब्दी स्कूल के बच्चे पानी लाओ सबके सामने, देशभक्ति गीत सभी लोगों ने वंदे मातरम गायन किया तथा मिष्ठान वितरण किया जा रहा है बच्चों में। हम उनकी याद में, उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने के लिए सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। और इसी तरह से हम लोग मनाते रहें, उनके जीवन के आदर्शों को याद करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, तो हर नागरिक का दायित्व है राष्ट्रभक्ति का भाव भरना, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया उनको स्मरण करना, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना।
तो वास्तव में यही शिक्षा होनी चाहिए थी। शिक्षा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जो देश और समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। आजीविका चलाना एक उद्देश्य होगा लेकिन अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। अंतिम उद्देश्य आप लोग चले जाओ, देश हो। बच्चों को बांटो यहाँ पे पानी। हम आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के और अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आवश्यकता को महसूस किया, जिनको इस बात का एहसास हुआ कि 1947 में हमारा देश हुआ आज़ाद और आज ये 2021 हो गया, फिर भी इन भावों को सरकारों ने उतनी मजबूती के साथ लोगों के हृदय में बैठाने का प्रयास नहीं किया। एक अजीब सा डर तत्कालीन शासकों के मन में रहता था कि अगर हम आज़ादी की लड़ाई और देश के लिए अपनी आहुतियाँ देने वालों के इतिहास को अगर बच्चों के और नौजवान पीढ़ी के सामने आने देंगे तो जो वो एक प्रदूषित इतिहास रखने का प्रयास करते हैं आज़ादी का, वो इतिहास नहीं रख पाएंगे। तो हम आभारी हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। पूरे साल यह कार्यक्रम चलने वाला है। आज दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। लखनऊ से अपनी महामहिम श्री राज्यपाल इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और चौरी चौरा से हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसे संबोधित करेंगे। हम सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने नागरिकों के साथ अपने अपने अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमारे मन में राष्ट्रभक्ति का ज्वार हो, हम अपने लिए बलिदान होने वाले लोगों की भाव को समझ सकें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकें, शायद हम ईमानदार राजनीतिक बने रहें, इसके लिए भी एक आवश्यक कड़ी है। इसलिए मैं समस्त हुतात्माओं को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए, इस कार्यक्रम का परिस्थिति पैदा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को एहसानमंद।